वेलकम बैक टू द वीडियो। बात कर लेते हैं थ्रेड की, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। आपको थ्रेड कहाँ पे मिल रहा है, दो जगह ये ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे आपको लेके जाऊँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये लो, हम इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं एंड राइट टॉप कॉर्नर जो थ्री लाइन है, अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही आपको इंस्टाग्राम थ्रेड्स का दिख जाता है। ओके, अब मैं इंस्टाग्राम थ्रेड्स पर टैप करता हूँ तो ये आ गया है, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा एट द रेट करके। आप ये क्यों इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया, इंस्टाग्राम तो ऑलरेडी था, अब थ्रेड को लॉन्च करने की क्या जरूरत है। ये वो वाला थ्रेड नहीं है जो 2019 में इंस्टाग्राम ने एक बार इंट्रोड्यूस किया था। नो, दिस इज न्यू एंड ये बिल्कुल ही नया अपडेट है, नई एप्लीकेशन है, बिल्कुल इंस्टाग्राम से अलग है। ये कॉम्पिटिटर है ट्विटर का। ट्विटर का तो कॉम्पिटिटर इंडिया में तो था कू, लेकिन इंस्टाग्राम के एंड से थ्रेड इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस किया टू डोमिनेट ट्विटर वाले इस फंक्शन को, क्योंकि ट्विटर पे हम लोग टेक्स्ट बेस्ड सारी चीज़ें करते हैं ना, और इंस्टाग्राम पे हम लोग फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, रील शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम तो रहे भी रील के लिए गया है। वैसे मैं आगे डिटेल में इसको दिखा देता हूँ। गेट थ्रेड करके आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। जैसे हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, अब यहाँ पे इंस्टॉल के लिए बोलेगा। ऑलरेडी 4 की रेटिंग हो चुकी है, मैं देख लेता हूँ कितने एमबी की एप्लीकेशन है। ओके, लेट्स सी डिटेल में। यहाँ पे 72 MB की एप्लीकेशन है। मैंने ऑलरेडी डिटेल में जब वीडियो बनाई थी इसके बारे में, 4th को मैंने बताया था थ्रेड आने वाला है एंड तब वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि 75 MB के करीब ही आएगा एंड ये इतना ही है। वही ये 275 का है आईफोन में, आईफोन पे अगर iOS पे आप इसे डाउनलोड करते हो तो। अब थ्रेड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। जब तक इंस्टॉल होती है मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ थ्रेड के बारे में। ये ट्विटर का ही एक कॉम्पिटिटर है एंड जब हम इसे यूज़ करेंगे ना आपको लगेगा ही नहीं। मैं आपको ट्विटर भी साथ में चला के दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम इंटरफेस लगता है। जब ट्विटर एक टेक्स्ट बेस्ड है, हम लोग 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, अपने कुछ रिव्यूज़ दे सकते हैं, हम लोग हैशटैग्स को भी हम लोग ट्रायल करा सकते हैं, और वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज होगा। इंटरफेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और इसके लिए हमें कोई नया यूज़र नेम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सेम यूज़र नेम जो अकाउंट आपका इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी था, उसी के थ्रू आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। मेटा मतलब सारी चीज़ों को एक ही करता जा रहा है। अगर हमारा फेसबुक अकाउंट है तो हम फेसबुक अकाउंट के थ्रू ही मेटा में यानी कि इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं लॉग इन, राइट। वही सेम चीज़ अगर आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो हम यहाँ पे भी लॉग इन कर सकते हैं थ्रेड में। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ ओपन। अब जैसे ओपन करते हैं तो अब ये यूज़र नेम नहीं मांगेगा, वो कहेगा कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र नेम लॉग इन है, अपकमिंग वर्ल्ड 23 जो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉग इन है, आप सेम अकाउंट से इसे बनाना चाहते हो या फिर स्विच करना चाहते हो। हमें तो सेम अकाउंट से बनाना है तो हम इस पर टैप कर देते हैं सेम अकाउंट के लिए, गेट रेडी फॉर थ्रेड। ओके, अगर आपको स्विच अकाउंट करना था तो नीचे स्विच अकाउंट का एक ऑप्शन मिल गया था। ओके, ये वो कहेगा कि लॉग इन रिक्वेस्ट इसने मुझे भेज दी है मेरे इसी अकाउंट पे, रिक्वेस्ट मैंने अप्रूव कर दी थी वहाँ से, अभी लॉग इन हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको फंक्शंस भी दिखा दूंगा इसमें क्या क्या फीचर आए हैं। ये देखो, इसने मेरा वो ले लिया है जो यूज़र नेम था मेरे इंस्टाग्राम पे सेम। यहाँ पे मैं अपनी DP लगा सकता हूँ, जो भी मुझे कोई प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, या वो बोल रहे हैं कि आपको जो आपके इंस्टाग्राम पे आप उसे ही लिखना चाहते हो तो आप वो ही रख सकते हो। मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम वाली नहीं ली, मैंने अलग से लगाई है, आप इंस्टाग्राम वाली ले सकते हो। यहाँ पे आप बायो लिख सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम की जो आपकी बायो है आप उसे सिंपल यहाँ से एक चुटके में इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे जो लिंक है इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पे लिंक है, जैसे आपका फेसबुक का लिंक है, आपका इंस्टाग्राम किसी पेज का लिंक है या आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो आप यहाँ से उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वैसे अभी कर रहा हूँ टिक। ओके, एंड मैं यहाँ से मतलब पूरी की पूरी बायो आप इंस्टाग्राम से भी इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आप एक पब्लिक अकाउंट बनाना चाहते हो, यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल, या फिर आप एक प्राइवेट प्रोफाइल बनाना चाहते हो। वैसे जब ये ट्विटर का ही कॉम्पिटिटर है तो हम लोग पब्लिक प्रोफाइल पे जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सेम जो फॉलोवर हमारे यहाँ थे जो हमारे इंस्टाग्राम पे हैं, हम उन्हें सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, हम उन्हें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वन गो में हम लोग फॉलो ऑल कर सकते हैं। ओके, पावर्ड बाय इंस्टाग्राम थ्रेड जो है, आप देख लेना सारी चीज़ें, डेटा भी जो मेटा के पास में होता है कहीं और नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें दे रखी है। हाउ थ्रेड वर्क आप देख सकते हो, ये डिटेल आप पढ़ लेना क्योंकि बता दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप है, वही चलेगी, बाकी और फीचर मैं आपको इसके बता देता हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता रहे हैं, ये क्या ट्विटर को टक्कर दे सकती है। आप देखोगे ना इंटरफेस, ट्विटर देख लो और ये देख लो, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 80-100 का है, मतलब 180 का, कि 80% ट्विटर की तरह ही दिखता है। अभी इसको होने दो। ओके, अब यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आ गई है, ये रही प्रोफाइल। यहाँ पे हमारे नोटिफिकेशन आएंगे जैसे वहाँ पे आते हैं, मतलब
दिख भी है उसी की तरह रहा है बिल्कुल। यहाँ पे कोई वेरीफाइड अकाउंट आएगा या आपको किसी ने मेंशन किया या आपके किसी ट्वीट पे रिप्लाई किया है, मतलब आपके किसी टेक्स्ट पे थ्रेड पे। ओके, यहाँ पे जैसे ट्विटर को ट्वीट बोलते हैं, यहाँ पे शायद उनको थ्रेड बोलेंगे। हमारी दो रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने कर लेता हूँ कन्फर्म। ओके, इसके बाद अगर आप अपना कोई थ्रेड लिखना चाहते हो, स्टार्ट अ थ्रेड, ओके, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो गैलरी से कोई फोटो वोटो और अपना यहाँ पे थ्रेड लिख सकते हो। हे दिस इज राज, मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे कोई भी एड थ्रेड आ गया ना, यहाँ से अरे से हम पोस्ट कर सकते हैं, स्टार्टेड फॉलोइंग मी, अभी मुझे फॉलोइंग भी आने स्टार्ट हो गई है। ओके, तो मैंने कर दिया है, ये मेरा थ्रेड रहा, मेरा थ्रेड है ये, आप देख सकते हो, लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते और कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इसके जो फीचर है वो आ गए हैं। प्राइवेट अकाउंट बनाना चाहते हो, अगर किसी को मेंशन करना चाहते हो, म्यूट किसको करना चाहते हो, हिडन वर्ड, सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, आप किसी पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पे सर्च करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इस तरह उनका थ्रेड भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग ले लेते हैं, अब यहाँ पे इनकी दोनों प्रोफाइल दिख जाएंगी हमें, यहाँ पे इनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी दिख जाएगी, एंड सेम हमें यहाँ पे इनकी थ्रेड प्रोफाइल भी दिख जाएगी। मैं यहाँ पे इन्हें फॉलो भी कर सकता हूँ। ओके, एंड उन्होंने बिल्कुल ही सेम चीज़ इंपोर्ट की हुई है। यहाँ पे हम होम पेज पे आ गए। ओके, जिन जिनको मैंने फॉलो किया है उन्होंने कभी कोई थ्रेड पोस्ट किया होगा या फिर कोई भी पोस्ट किया है, तो यहाँ पे हमें वो दिख जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, इट इज़ टेकिंग टाइम, रीलोड हो रहा है ऐसे करके, मतलब ज़्यादा इसमें हैवी नहीं वैसे कुछ। ओके, बस एक टेक्स्ट बेस्ड है जो ट्विटर को टक्कर देने के लिए बनाई गई है, इससे ज़्यादा इसका मुझे बताने का इसमें कुछ लग भी नहीं रहा है। और आप मुझे कमेंट में लिख के ये जरूर बता रहे हैं कि आपको थ्रेड कैसा लगा, मतलब ये क्या ट्विटर को डोमिनेट कर पाएगा, ट्विटर को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। सब कुछ मैंने थ्रेड के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है, आई होप आपको पता भी चल गया होगा। एंड इसी के साथ साथ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।